बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। मैं पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 आरकेपुरम सेकंड से पीके त्रिपाठी आप सभी का आज इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि पता है, इस समय हमारा पूरा देश कोविड-19 के संकट से जूझ रहा है और सभी लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन है, और इन परिस्थितियों में भी केंद्रीय विद्यालय संगठन आपकी शिक्षा के प्रति चिंतित है, जागरूक है, और एक नया प्लेटफॉर्म दिया गया है आप लोगों को कि आप अपने शिक्षकों से इस प्लेटफॉर्म में मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं के हल ढूंढ सकते हैं। तो आज कक्षा 12वीं की हिंदी की कक्षा में हम गद्य खंड में पहले पाठ, जिसको आप देख रहे हैं, शीर्षक भक्तिन पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों जल्दी से जल्दी आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आज इस क्लास में हम भक्तिन पढ़ने जा रहे हैं। आइए, भक्तिन पर चर्चा करने से पहले हम पहले इसके बारे में देखते हैं कि गद्य में हिंदी गद्य का जन्म 19वीं शताब्दी के अंत में होता है, और जब हिंदी साहित्य का आधुनिक काल की शुरुआत होती है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, और उस समय जब नवजागरण काल चल रहा था, और उस नवजागरण काल में बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का संपादन आरंभ होता है, और उसी समय हिंदी गद्य की शुरुआत होती है। बहुत सारे हिंदी साहित्यकार जो पत्रकार भी थे, उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से न केवल समाज में एक नई चेतना, राष्ट्रवादी चेतना जगाई, बल्कि साहित्य के लिए भी उन्होंने बहुत सारा अपना योगदान दिया और नई नई विधाओं पर साहित्य लेखन आरंभ किया। तो अगर हम गद्य साहित्य की बात करें, तो गद्य साहित्य की जो परंपरागत विधाएं हैं, उन विधाओं को हम जानते हैं। हिंदी साहित्य की तीन महत्वपूर्ण विधाएँ हैं जिनकी हम अक्सर चर्चा करते हैं। एक तो जो सबसे ज़्यादा चर्चित गद्य विधा है, जिसको हम जानते हैं, वो है कहानी। कहानी के बारे में आप सभी जानते हैं कि कहानी एक ऐसी रचना होती है जिसमें किसी घटना को, उसको घटना को आधार बनाकर उसका, उसके पात्रों का और उस घटनाक्रम का चरित्र चित्रण किया जाता है। इसके बाद दूसरा इसका महत्वपूर्ण परंपरागत गद्य विधा है नाटक। नाटक में आप जानते हैं कि पात्रों के माध्यम से और पात्रों के माध्यम से संवाद स्थापित किए जाते हैं, और उन संवादों के माध्यम से एक कथा को आगे बढ़ाया जाता है। और जो तीसरी गद्य विधा है वो है उपन्यास। तो रचना के स्तर पर देखें तो कहानी और उपन्यास में बहुत अधिक अंतर नहीं होता। आकार की दृष्टि से कहानी आकार में छोटी होती है, कहानी में तीव्रता थोड़ी अधिक होती है, और किसी एक घटना विशेष पर वो आधारित होती है। और अगर हम उपन्यास की बात करें तो उपन्यास अपेक्षाकृत बड़ा होता है, उसमें किसी भी चरित्र की या किसी भी जीवन की एक घटना को आधार नहीं बनाया जाता, बल्कि हम पूरे जीवन को आधार बनाकर, जीवन की विभिन्न छोटी बड़ी घटनाओं को हम आधार बनाकर उसमें हम उसकी रचना प्रक्रिया को देखते हैं और उपन्यास में उसका वर्णन देखते हैं। अगर हम पद्य से इनकी तुलना करें तो कहानी से तुलनीय है मुक्तक कविता। कविता के नाम पर, जिसे हम छोटी कविताओं के रूप में जानते हैं, जो हम कविताएं पढ़ते हैं अपने विषय में, अपने पाठ्य पुस्तक में विभिन्न कविताएं आपके हैं, तो अगर हम कहानी से पद्य की किसी विधा की तुलना करेंगे तो मुक्तक काव्य कहानी से तुलनीय है, क्योंकि आकार की बात हो रही है। और उपन्यास की बात करेंगे तो जो महाकाव्य होते हैं वो उपन्यास से तुलनीय होते हैं, क्योंकि महाकाव्य में भी क्या होता है, आकार की दृष्टि से वो मुक्तक से काफ़ी बड़े होते हैं, और उसमें भी पूरे जीवन का, पूरे समाज का एक विशेष कालखंड की घटनाओं को आधार बनाकर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा, कहानी, नाटक और उपन्यास जो गद्य की तीन प्रमुख परंपरागत विधाएं हैं, उनमें सूक्ष्म अंतर क्या होते हैं। एक तो आकार का अंतर होता है, और एक रचना प्रक्रिया के आधार पर देखें तो
एक छोटी एक ही घटना पर आधारित होता है और दूसरा क्या होता है, जीवन की विभिन्न घटनाओं पर आधारित होता है, यानी जीवन को पूरे एक बड़े कलेवर को वो आपके सामने रखता है। अब हम बात करें गद्य की आधुनिक विधाओं की, तो आधुनिक विधाएं क्या होती हैं? इसमें अगर हम बात करें जो परंपरागत विधाएं हैं उनको हम दो भागों में कैसे बांटते हैं, तो ये जो रचनाएं होती हैं इनमें कल्पना का प्रचुर समावेश होता है। तो इन जो पारंपरिक विधाएं हैं उसमें इनके साहित्य सृजन में कल्पना का उपयोग अधिक होता है, तो इनको काल्पनिक गद्य वृत्त कहा गया है, जिसमें कोई लेखक या गद्यकार अपनी कल्पना का आश्रय लेकर घटनाक्रम को विभिन्न आधारों पर संयोजित करता है। जब हम आधुनिक विधाओं की बात करते हैं तो ये इन विधाओं को अकाल्पनिक गद्य वृत्त कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि कल्पना का उपयोग क्या इन अकाल्पनिक गद्य वृत्तों में नहीं होता, बिल्कुल कल्पना का उपयोग, कल्पना के बिना तो साहित्य की रचना की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी लेखक जिसमें कल्पना शक्ति नहीं है तो वो समानांतर चरित्र सृष्टि नहीं कर सकता है, क्योंकि समाज के जो चरित्र होते हैं उन्हीं चरित्रों का पुनर्सृजन साहित्य में होता है। अगर हम साहित्य की परिभाषा की बात करें तो साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है, यानी समाज में घटने वाली घटनाएं ही साहित्य में प्रतिबिंबित होती हैं। एक कवि या लेखक अपनी कल्पना के माध्यम से साहित्य के समाज के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को पुनर्सृष्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अकाल्पनिक गद्य वृत्तों की जब हम बात करते हैं ये अपेक्षाकृत अधिक यथार्थवादी होते हैं, यानी इन पर यथार्थ का उपयोग ज़्यादा होता है, कल्पना का उपयोग कम होता है। तो इन अकाल्पनिक गद्य वृत्तों की बात करें तो आधुनिक काल में जो दो बड़े महत्वपूर्ण गद्य वृत्त हैं जो चर्चा में आए हैं, उनमें से एक एक है रेखाचित्र और दूसरा है संस्मरण। यहाँ पर दो नए नाम हमें हमारे जहन में आ रहे हैं कि रेखाचित्र क्या होता है और संस्मरण क्या होता है। वस्तुतः अगर देखा जाए तो ऊपर से देखने पर ये दोनों कहानी की ही तरह लगते हैं, कि कहानी में क्या होता है, किसी एक घटना या चरित्र को आधार बनाकर उस घटना को क्लाइमेक्स तक पहुंचाया जाता है या उसके अंत तक पहुंचाया जाता है। और इसी तरह रेखाचित्र की अगर हम बात करें तो इसमें किसी व्यक्ति के चरित्र को आधार बनाकर उसके चरित्र की प्रमुख को दर्शाया जाता है। रेखाचित्र और संस्मरण आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, लेकिन इन वहाँ पर शायद आपने इतनी गंभीरता से इनके बारे में, इनके अंतरों के बारे में होगा कि आपको लगता है कि जैसे अगर हम बात करें तो कक्षा सातवीं में आपने महादेवी वर्मा की एक रचना नीलकंठ पढ़ी होगी, वो भी एक रेखा चित्र है, लेकिन उस कक्षा के स्तर पर हम केवल इस उसको एक कहानी के रूप में पढ़ लेते हैं कि एक छोटा सा एक पालतू पक्षी है नीलकंठ नाम का, जिसके बारे में लेखिका ने उसके चरित्र उसके गुणों के बारे में वर्णन किया है, तो आपको लगता है कि एक मोर की कहानी है। वस्तुतः वो मोर की कहानी नहीं है, वो एक रेखा चित्र है, और रेखाचित्र में होता क्या है वो आज हम पहले समझेंगे और तब हम भक्तिन पर जाएंगे, जो हमारे आज का जो हमारा वर्णन आज का जो विषय है, पहला चैप्टर है आपका भक्तिन, तब हम उस पर जाएंगे। तो रेखाचित्र के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लें। रेखाचित्र एक व्यक्ति चित्र होता है, यानी शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति का चित्र खींचा जाता है। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में या अंग्रेजी की कक्षाओं में पढ़ा होगा, बायोस्केच के बारे में सुना होगा, बायोस्केच भी वास्तव में व्यक्ति चित्र होता है। हिंदी में जिसे हम रेखाचित्र कहते हैं अंग्रेजी में वही बायोस्केच होता है, यानी किसी व्यक्ति के चरित्र को आप शब्दों के माध्यम से देखते हैं तो वो एक स्केच है। इस प्रकार रेखाओं से हम आकार बनाते हैं, इसी प्रकार जब शब्दों से हम किसी आकार को एक आकार देने की कोशिश करते हैं किसी चरित्र को, तो वो रेखाचित्र कहलाता है। तो रेखाचित्र और संस्मरण में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, थोड़ा सा ही अंतर होता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। रेखाचित्र को रचना
रोचक है, उन्होंने बताया है कि इसमें एक रेखाचित्र और संस्मरण में एक बड़ी सूक्ष्म सी रेखा होती है, दोनों व्यक्ति चित्र हैं लेकिन एक अपेक्षाकृत स्थिर चित्र है और एक गतिशील चित्र है। तो जब हम रेखाचित्र की बात करते हैं तो रेखाचित्र के बारे में कहा जाता है कि ये गतिशील चित्र है। गतिशील कैसे हुआ? जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो हमारे जीवन के आसपास या हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के आसपास में रहने वाले गुजरने वाले व्यक्ति जिनसे हमारा रोज दैनंदिन जीवन में सामना होता है और उनमें हम किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं और अगर हम उस व्यक्ति के चरित्र का चित्रण करें तो ये एक रेखाचित्र होता है। तो रेखाचित्र में क्या होता है कि जीवन की हर छोटी बड़ी घटना ये निर्भर करती है कि लेखक को कौन सी घटना प्रभावित करती है, उन घटनाओं को आधार बनाकर जब वो अपनी कल्पना के माध्यम से एक चित्र बनाता है तो वो रेखाचित्र होता है। और संस्मरण की बात करें तो संस्मरण वस्तुतः उन व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित होता है या उन व्यक्तियों के चरित्र पर लिखा जाता है जिनके जीवन से या तो हम कोई प्रेरणा ले सकते हैं या वो कोई महान व्यक्ति ऐसा होता है जिनके जीवन के बारे में हमें कहीं से और भी हमें जानकारियाँ होती हैं। तो वहाँ पर लेखक के पास वर्णन करते समय उतना अवकाश नहीं होता क्योंकि उसे उन स्रोतों में जो जानकारी उपलब्ध है उन स्रोतों की जानकारी के समानांतर अपनी रचना को गढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पर वो जो चित्र होता है वो अपेक्षाकृत स्थिर चित्र होता है और रेखा चित्र जो होता है वो एक गतिशील चित्र होता है। तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि अब आप रेखा चित्र और संस्मरण के इस अंतर को समझ गए होंगे। तो आइए हम आप आज अपनी जो हमारी 12वीं की पुस्तक में जो पहली रचना है माधवी वर्मा जिसकी लेखिका है उस पर चलते हैं। तो हमारी आज का जो शीर्षक है वो शीर्षक है भक्तिन, और भक्तिन एक रेखा चित्र एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। हम पाठ पर जाने से पहले हम थोड़ा सा लेखिका के बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं। माधवी वर्मा की पहचान वैसे तो एक महान कवित्री के रूप में है। हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण युग जो छायावाद युग के नाम से जाना जाता है उस छायावाद युग के चार प्रमुख जो स्तंभ कवि हैं उन कवियों में से एक है माधवी वर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं जानते ही होंगे कविवर जयशंकर प्रसाद, कविवर सुमित्रानंदन पंत, कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जो चौथी कवित्री हैं उस चार स्तंभों में जो चौथा स्तंभ है वो है महादेवी वर्मा। तो साहित्य जगत में उनकी पहचान एक कवित्री के रूप में है लेकिन गद्य लेखन के क्षेत्र में भी उन्होंने एक प्रतिमान स्थापित किए हैं। यानी कि गद्य लेखन के क्षेत्र में इन चार स्तंभों में अगर हम बाकी तीन कवियों की बात करें तो बाकी तीन कवियों की पहचान केवल कवि के रूप में है, गद्य लेखक के रूप में उन्होंने उतनी पहचान स्थापित नहीं की। हालांकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी कुछ गद्य लेखन किया है और आलोचनात्मक निबंध लेखन की बात करें तो पंत जी ने भी कुछ कविता आलोचना पर निबंध लिखे हैं। लेकिन अगर गद्य लेखन में और खासकर रेखाचित्र और संस्मरण लेखन में अगर हम बात करते हैं तो महादेवी वर्मा ने जो ऊंचाई प्राप्त की है वो उस दौर के दूसरे कवियों को प्राप्त नहीं हो सकी है। तो अगर हम इनके जन्म की बात करें तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद नाम का जिला है वहाँ पर हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा, ये प्रमुख काव्य संग्रह हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये उनके निबंध संग्रह हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ, पथ के साथी और मेरा परिवार, ये संस्मरण और रेखाचित्र के गद्य संग्रह हैं। संस्मरण और रेखाचित्र के क्षेत्र में लेखिका ने का जो योगदान है वो अप्रतिम है और इस क्षेत्र में उन्हें काफ़ी मान सम्मान प्राप्त है और बड़े लेखकों में उनका शुमार किया जाता है। तो आइए थोड़ा सा हम लेखिका के जो उनका जो लेखकीय व्यक्तित्व है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूप में थी। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और शिक्षा तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। अगर हम बात करें उनकी
गद्य रचनाओं की, कविताओं की बात तो जब कहीं अन्य स्थान पर होगी, जब हम महादेवी वर्मा की कविताओं की बात करेंगे। अगर हम साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा की बात करें तो कविता के क्षेत्र में तो वो चार स्तंभों में एक हैं, लेकिन अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्र के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में भी उनकी पहचान होती है। कविता और गद्य दोनों ही क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग ढंग से दिखाई देती है। अगर हम बात करें उनके गद्य लेखन की, तो उनका जो गद्य लेखन है वो वास्तव में सामाजिक सरोकार से संपन्न है। अगर हम गद्य लेखन की बात करें तो गद्य लेखन में कहानी, उपन्यास, इसको अगर यथार्थवाद से जोड़ने का काम प्रेमचंद ने किया है, तो उस सामाजिक सरोकार को जो प्रेमचंद ने दिशा दिखाई थी अन्य साहित्यकारों को कि साहित्य को वास्तव में समाज से जुड़ना चाहिए और यथार्थवाद की जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक होना चाहिए, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं में गहरा सामाजिक सरोकार दिखाया है। श्रृंखला की कड़ियां जो उनका रेखाचित्र संग्रह है, इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में होता है। ये अपने समय की बड़ी अद्वितीय रचना है जिसमें स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। एक और नया शब्द आपके जेहन में आ रहा होगा कि स्त्री विमर्श क्या है। वस्तुतः स्त्री विमर्श स्त्री संबंधी समस्याओं को साहित्य में स्थान दिलाना है। तो शायद मुझे लगता है कि इतनी गंभीरता के साथ पहली बार गद्य साहित्य में अगर स्त्री विमर्श की चर्चा किसी ने की है तो शायद वो महादेवी वर्मा थी। और उन छोटे छोटे प्रश्नों को अगर हम भक्तिन की बात करें तो भक्तिन जो ये पाठ है, ये आपको दिखेगा कि इसमें एक महिला के जीवन के संघर्ष के वो सारे प्रश्न जिन प्रश्नों पर हमारा समाज मौन रह जाता है, और उन प्रश्नों पर महादेवी वर्मा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं और अपनी रचना के माध्यम से उसे भी रेखांकित करती हैं जिन पर अभी तक हमारी नज़र नहीं गई थी। उनके पास ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर उनके जो संस्मरणात्मक रेखाचित्र हैं, पाठ के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन महादेवी वर्मा अपनी मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि से उन चरित्रों की साधारणता में भी असाधारण तत्वों की खोज कर लेते हैं। ये लेखक की विशेषता होती है, एक सामान्य दृष्टि में और एक लेखक की दृष्टि में यही अंतर होता है। जिन घटनाओं को हम सामान्य घटना समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेखक की दृष्टि मर्मभेदी होती है, उन घटनाओं के भीतर तक पहुँचती है और वहाँ भीतर से उस घटना को जब वो सामने लेकर आती है तो ऐसा लगता है कि अरे हमने इस घटना को तो इस रूप में कभी देखा ही नहीं। यही लेखकीय दृष्टि की खूबी होती है, यही उसकी मर्मभेदनी दृष्टि होती है, तो वो हमें महादेवी वर्मा के लेखन में दिखाई पड़ती है। उन्होंने समाज के शोषित पीड़ित तबके को अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व तो प्रदान किया। महादेवी वर्मा की रचनाओं का एक और भी बड़ा योगदान है कि साहित्य में नायक की जो परिभाषा थी, हालांकि उस नायक की परिभाषा को तोड़ने का काम बहुत कुछ प्रेमचंद ने भी किया, क्योंकि अगर हम पीछे साहित्य में जाते हैं, साहित्य की परंपरा में जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि नायक की जो परिभाषा है वो धीरोदात्त नायक की है। यानी नायक राजकुल का व्यक्ति होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, उच्च कुल कुलीन वर्ग होना चाहिए। इसके अलावा जो रचनाओं में पात्र होते हैं वो नायक के सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन नायक नहीं हो सकते। पहली बात नायक की मुंशी प्रेमचंद ने किया और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादेवी वर्मा ने अपने गद्य में शोषित पीड़ित समाज की जो प्रतिनिधि हैं उनको अपनी रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया। उनकी रचनाओं ने समाज साहित्यिक समाज पर एक ऐसा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन की विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र लेखन के बाद सबसे बड़ा साहित्य को योगदान ये हुआ कि इसके बाद जब रेखाचित्र लेखन की बात होती है तो हमेशा किसी सामान्य व्यक्ति का या सामान्य वर्ग के व्यक्ति का या शोषित पीड़ित समाज के व्यक्ति को ही हम काव्य या साहित्य के क्षेत्र में नायक के रूप में देखते हैं। तो आइए थोड़ा सा भक्ति के सार की चर्चा करें और फिर हम इस पाठ के प्रश्नों के माध्यम से इस पाठ पर और चर्चा करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी के पास अगर पाठ्य पुस्तक है तो आप इस पाठ को पढ़िए, क्योंकि साहित्य में जो गद्य रचनाएं हैं उनका जो असली आनंद है उस लेखक की भाषा का, जब तक आप उस भाषा में अवगाहन नहीं करेंगे, उस भाषा में डूबेंगे नहीं,
तब तक आप उस रचना का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए मैं यहाँ पर जो रचना का सार है उसको मैं आपको बताता हूँ, ये कहानी कैसी है, और उसके बाद फिर हम जो प्रश्नों के माध्यम से इस पाठ के और अन्य प्रश्नों पर, अन्य गूढ़ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। भक्ति महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, स्मृति की रेखाएं नाम के संग्रह में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बड़ा दिलचस्प खाका खींचा है। आपको जब आप कहानी पढ़ेंगे या जो रेखा चित्र है उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कहानी की जो नायिका है, इस रेखा चित्र की जो नायिका है भक्तिन, वो एक ग्रामीण महिला है। वो अपने गांव से शहर में आती है और शहर में आकर उसकी लेखिका से मुलाकात होती है। ये पूरी रचना भी उसी फ्लैशबैक शैली आप अक्सर देखते होंगे चलचित्र किया जाता है कि कहानी की जो शुरुआत होती है या रचना की जो शुरुआत होती है उसके पहले पार्ट में आप कहानी का अंत देख रहे होते हैं और फिर यादों के सहारे, स्मृति के सहारे घटना की जो पिछली घटनाएं हैं उनको सिलसिलेवार देखते हैं। तो इस तकनीक को साहित्य में भी फ्लैशबैक कहा जाता है और फिल्मों में भी फ्लैशबैक कहा जाता है। तो आप फ्लैशबैक के माध्यम से देखते हैं कि एक ग्रामीण महिला आती है लेखिका के पास काम मांगने के लिए, और उसका जो रंग ढंग रूप स्वरूप होता है उसके रंग ढंग रूप स्वरूप को देखकर लेखिका उसको एक नामकरण करती है, वो नामकरण भक्तिन होता है। और फिर धीरे धीरे भक्तिन की जो पिछले जन्म की जो कहानियाँ थी वो कहानियाँ सिलसिलेवार सामने आती हैं। तो लेखिका इसको कहती है कि वो उसके जीवन के जो तीन परिच्छेद हैं, तीन अध्याय हैं, उसके अंतिम परिच्छेद की चर्चा पहले हो रही होती है और फिर उसके पहले दूसरे परिच्छेद की चर्चा कहानी के आगे अगले हिस्से में होती है। महादेवी जी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे उसने एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छंद भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही। इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भक्तिन का जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा। जब वो बहुत कम उम्र की थी, लगभग 7 या 9 वर्ष की थी, उसका विवाह उसके पिता ने कर दिया। विवाह करके वो ससुराल चली गई। ससुराल में जाने के बाद जैसे ही वो ससुराल जाती है उसके पिता की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। उसको सूचना भिजवाई जाती है कि वो अपने जब उसे समाचार मिलता है अपने ससुराल में कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, फिर वो अपने मायके आती है और अपनी विमाता को देखती है और विमाता को बहुत भला बुरा कहती है। उसके बाद फिर वो अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में भी उसको बड़े षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। उसकी पिता की मृत्यु, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, वो विधवा हो जाती है। उसकी तीन बेटियां थीं, उन तीन बेटियों की वजह से भी उसको समाज में अपमान सहन करना पड़ता है क्योंकि वो बेटियों की माँ है। इसके बाद वो अपनी बड़ी बेटी का विवाह करती है, बड़ी बेटी का विवाह करने के बाद वो भी विधवा हो जाती है। फिर परिवार के अन्य जो सदस्य होते हैं, जैसा कि ग्रामीण का परिवारों में अक्सर आपको, अगर आप ग्रामीण परिवार से संबंधित हैं तो ऐसी घटनाएं देखते होंगे अपने आसपास कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जो कृषक परिवार है वहाँ पर असल जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो किसके लिए होते हैं, ज़मीन के लिए होते हैं। तो वहाँ पर भी उसकी ज़मीन उत्तराधिकार का जो कानून है वो इस प्रकार कुछ होता है कि पुत्र को तो उत्तराधिकार दे दिया जाता है लेकिन पुत्री को कोई उत्तराधिकार नहीं देता है। तो इस वजह से उसकी जो ज़मीन थी, खेती की ज़मीन थी, उसको भी हथियाने की कोशिश की जाती है और उसका वो कैसे मुकाबला करती है, अपनी बेटी का विवाह, फिर विधवा होने के बाद उसकी बेटी का वो पुनर फिर से विवाह करती है और उसके बाद अपने सारी जो धन संपत्ति है, जो संपदा है उसके ग्रामीण जीवन की, उस सबको सौंप कर वो कहाँ आ जाती है, लेखिका के पास आ जाती है। और फिर जीवन के उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है लेखिका के साथ। और यहाँ पर फिर वो क्या करती है, लेखिका के जीवन में कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, फिर आप घटना के इन चरणों का आप यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए सार में थोड़ा सा चीज़ें और बची हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कैसे उपेक्षित सत्तात्मक मान्यताओं और छल छंद भरे समाज में अपनी और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती है, उसके बाद उसमें हारकर कैसे जिंदगी की राह को बदल लेने के निर्णय तक पहुंचती है, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में सामने आती है। एक प्रश्न आता है इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे और पाठ के अंत में जब आप प्रश्नों पर जाएंगे तो एक प्रश्न आता है कि
भक्तिन के आने के बाद लेखिका और देहाती कैसे हो गई, यानी देहात के जीवन को या अपनी जो मान्यताओं को लेकर भक्तिन शहर के जीवन में आती है और शहर के जीवन का प्रभाव लेशमात्र भक्तिन पर नहीं पड़ता, लेकिन महादेवी वर्मा के जीवन को ऐसा प्रभावित कर देती है, एक ऐसी परिस्थिति के रूप में सामने आती है कि लेखिका के जो व्यक्तित्व में भी परिवर्तन हो जाता है। तभी वो लेखिका कहती है कि भक्तिन के आने के बाद मैं ही और देहाती हो गई, यानी कि जो भक्तिन के मूल्य थे उन मूल्यों को तो वो बदल नहीं सकी, लेकिन भक्तिन ने अपने मूल्यों के अनुसार या मूल्यों के आधार पर लेखिका को बदल दिया। लेखिका के व्यक्तित्व के कई अंशुए और प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते हैं, इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वो भक्तिन को कहीं खोना नहीं चाहती। समग्रता इस पाठ की परिस्थितिवश वो अखड़ बनी रही, लेकिन महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसकी अगर हम इसके सार की बात करें, अगर हम इसकी समीक्षा की बात करें, तो ये पाठ एक ग्रामीण महिला और एक स्त्री अस्मिता के प्रश्नों को उठाने वाला ये पाठ, और अगर हम इसको जब पढ़ेंगे तो इसके बाद हमें पता चलेगा कि हम स्त्री के जीवन के, स्त्री के चरित्र के किन पहलुओं के बारे में हमारी आंखों में एक नए सत्य का दर्शन किया है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त होगा। अब हम मैं आज के लिए जो असाइनमेंट है आपका, वो इस पाठ को आप पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद कल हम जब अगली कक्षा के लिए आएंगे तो हम कुछ प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से इस पाठ पर चर्चा करेंगे। तो जो पाठ, अगर आप पाठ्यपुस्तक के अंत में जाएंगे तो पाठ के साथ कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको उसके उत्तर ढूंढकर लिखने हैं। और कल जब हम कल यानी कि मंडे को जब हम अपनी अगली कक्षा में आएंगे तो हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इस पाठ को समाप्त करेंगे। तो कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, और भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा, ये आपका पहला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के पीछे। ये प्रश्न आपको करना है और अभी तक तो इन प्रश्नों के माध्यम से इस पाठ को और नई दृष्टि देने की कोशिश करूँगा। एक प्रश्न है ये, भक्तिन अच्छी तो है पर यह कहना कठिन होगा कि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। ये प्रश्न भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तकों में करना है और अगली कक्षा में हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण लेखिका